सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसू गेमिंग। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का हमारी न्यू वीडियो के साथ। तो चलो फिर आज की सिर्फ वीडियो के अंदर आपको हम सबसे पहले बता देते हैं हम लोग करने क्या वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ग्रैंड मास्टर पुशिंग कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग एम ए टू बी कार्ड जो टाइटल है उसको भी टॉप वन के लिए पुशिंग कर रहे हैं। वैसे भाई टॉप वन पे बहुत सारे ग्लिच वाले बंदे हैं, तो उसके चक्कर में टॉप वन तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्राई तो जितना होगा उतना हम करेंगे। तो बाकी वाइज आप लोग यहाँ पर से देख ही सकते हो मेरा भाई सोलो का हाईलाइट्स। हम सोलो के अलावा एक भी मैच नहीं खेले हैं और मेरा ग्रैंड मास्टर पे रैंक 10,679 हो चुका है। बाकी चलो फिर गेम स्टार्ट करते हैं और हाईलाइट्स दिखाते हैं। अब गाइज ये हमारा पहला गेम होता है जिसमें भाई मेरा 3 किल रहते हैं और मेरे अलावा यहाँ पर से 2 बंदे ऑडे लाइव रहते हैं, एक बंदा ऊपर रहता है और एक बंदा इसी घर के नीचे रहता है। अब गाइज देखो ये लास्ट जोन है इसलिए हम ज्यादा फाइट नहीं करेंगे। अब बंदा अगर कवर से बाहर निकलेगा तब उसको एक गोली जरूर मारेंगे, ठीक है। तो बस उसी का हम वेट करते हैं सही टाइम का कि जैसे कोई बंदा बाहर निकलेगा तो उसको मारेंगे। तो उतने में देखो अभी यहाँ पर से क्या होता है, ये जो बंदा होता है ये बाहर निकलता है, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है, लेकिन बंदा यहाँ पर से नॉक नहीं होता। और जब एम ए टू बी से मारते तब नॉक होता है और यहाँ पर से बंदे को पूरा मार के हम क्लियर कर लेते हैं। और ऊपर वाला जो बंदा रहता है वो उनको काफी डैमेज देता है। उसके बाद ये जो वॉल होता है इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब विंडो जो उसको ब्लॉक कर देता है और सीधा मेरे पे रश करता है। यहाँ पर से जाइनिंग कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करके बंदे को काफी ज्यादा डैमेज देते हैं। ये बंदा ग्लूवर लगा लेता है, उसके बाद बंदे को डाउन कर देते हैं और यहाँ पर से आगे बंदे को पूरा फिनिश कर देते हैं। तो गाइस ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 5 किल के साथ बोया। टोटल हम लोग यहाँ पर से मिला 28 का प्लस, बाकी गाइस एम ए टू बी में भी 100 का प्लस मिल जाता है। अब जो हमारा सेकेंड वाला गेम प्ले रहता है तो इसमें हमको मिल जाती है मॉन्स्टर ट्रक और टोटल इस वाले गेम में मेरा 5 किल रहता है, मेरे अलावा 2 बंदे और लाइव रहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बंदे को भाई फाइट करने दो, उसके बाद फिर बंदे को एक साथ उड़ाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बंदे भाई फाइट कर रहे थे तो दोनों बंदे को तो बड़ा भाई उड़ा देता है, एक किल हम लोग को मिल जाता है और दूसरा जो बंदा होता है वो पता नहीं कैसे बच जाता है। तो इस वाले बंदे हम लोग सीधा रश करते हैं, मेरे पास होती है M82B जिससे इस बंदे का वाल तोड़ने का ट्राई करते हैं और अच्छा खासा वाल भी तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखें कि ये बंदा जो वुकोंग बना रहता है तो थोड़ा सा वापस हम ट्राई करते हैं वाल तोड़ने का, 49 का डैमेज पड़ता है। वाल जो होता है यहाँ पर से टूटने वाला होता है तो जितना भी मेरे पास लैंडमैन होता है सारा वाल के आगे लगा देता हूँ, वाल भी फोड़ देते हैं। अब आप लोग यहाँ पर से डैमेज देखो भाई 16-16-54 ऐसे करके डैमेज पड़ा बंदे को, बट यहाँ पर से भाई काफी ज्यादा डैमेज देने के बाद ये बंदा नॉक हो जाता है और ये वाल तोड़ के हम बंदे को पूरा यहाँ पर से क्लियर कर देते हैं। और ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 7 किल के साथ बोया। अब चलो फिर देखते हैं कितना प्लस मिलने वाला है। बाकी गाइस MA2B में भी कितना प्लस मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो गाइस MA2B में हम लोग को मिलता है 67 का प्लस और रैंक हम लोग को मिलता है 30 का प्लस। अब गाइस देखो इस वाले गेम में मेरे अलावा यहाँ पर से एक बंदा ऑडी लाइव रहता है जो कि भाई सामने की ओर रहता है, ठीक है। अब इस वाले बंदे का हम लोग वाल नहीं तोड़ सकते, उसका एक रीजन है नाड़ी कैरेक्टर। अगर हम इसको एक गोली मारेंगे उतने में जो नाड़ी कैरेक्टर होता है जो वाल का जो HP होता है इसको भाई वापस जल्दी जल्दी फुल कर देगा और फिर उनको मतलब मेरा सिर्फ एमओ ही वेस्ट होने वाला। तो इसलिए जो लॉन्चर होता है ये फेंकते हैं बंदे के ऊपर, तो इसका एक वाल तो टूट जाता है और अच्छा खासा डैमेज पड़ता है, 123 का डैमेज पड़ने का। हमको लगा कि यहाँ पर से बंदा मर जाएगा लेकिन भाई बंदा मरता ही नहीं है। अगर इस समय मेरे पास मोको रहता तो ये बंदा आराम से इजिली मरा जाता, लेकिन भाई मेरे पास मोको अभी नहीं है। मोको लगा के बिल्कुल ही नहीं खेल रहे क्योंकि हमको HP का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो हम HP वाला कैरेक्टर लगा के खेल रहे हैं। अभी यहाँ पास से पोर्टल जो होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं और सीधा बंदे के मुँह पर पहुँचते हैं। यहाँ आके उनको पता चलता है कि भाई बंदा है ही नहीं, अचानक से बंदा पीछे से कूदते हैं M10 लेके, अच्छा खासा डैमेज दे देते हैं और बंदे को दौड़ा दौड़ा के मार देते हैं। और ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 6 किल के साथ बोया। अब चलो फिर देखते हैं कितना प्लस मिलने वाला। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और गैस हम लोग को यहाँ पर से मिलता है 25 का प्लस, MA2B में 100 का प्लस। अब ये वाला जो लॉबी है काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था और इस वाले गेम में सिर्फ मेरा एक किल था और मेरे अलावा यहाँ पर से 2 बंदे और अलावा है, उसमें से भाई एक बंदा मारा जाता है। अब मतलब इस वाले गेम में अगर सामने वाले बंदे को हम लोग मारेंगे तो हमारा सिर्फ बस एक ही किल होगा। अब उस वाले बंदे को हम लोग कैसे मारते हैं वो आप देखो, ठीक है। तो मेरे पीछे जोन आ रहा था इसलिए जल्दी जल्दी हम ऊपर चले जाते हैं और हमको अभी पता था कि वो बंदा उस वाले बंदे को लूटने में बिजी होगा, तो बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन हमको यहाँ पर से दिख जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम करने के लिए थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते जाते हमको समझ में आ जाता है ये जो बंदा है ये वाला जो वाल है इसके आगे उसके पीछे छुपा हुआ है। तो एक वाल लगा के हम लोग आगे जाते हैं और बंदा मेरे पे रस करता है, जाइनिंग कैरेक्टर ऑन ही करते हैं, बंदे को काफी यार डैमेज देते हैं। साइड से बंदे के पास ट्रोगोन गन है भाई, काफी खतरनाक गन है इसलिए थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, लेकिन ये बंदा यहाँ पर से नॉक हो जाता है और तुम्हारा भाई इस वाले बंदे को मार के फिनिश कर देता है। तो ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 2 किल के साथ बोया। टोटल हम लोग यहाँ पर से मिलता है 27 का प्लस, बाकी गाइस MA2B में हम लोग यहाँ पर से मिलता है सिर्फ 40 का प्लस। इस वाले गेम में मेरा 3 किल रहते हैं और मेरे अलावा यहाँ पर से 2 बंदे और अलाइव रहते हैं और एक जो बंदा है वो गाड़ी के पीछे छुपा रहता है, ठीक है। तो इस वाले बंदे को हम सोचे कि बहुत पहले मारने का ट्राई किया लेकिन भाई ये जो बंदा है भाई मारा ही नहीं था। तो अब
देखो ये बंदा लॉन्च पैड यूज करता है, लॉन्च पैड यूज करता है और यहाँ पर आते बंदे को नॉक ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर से पूरा क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर से एक बंदा और इलाइव है जो कि भाई उधर देख सकते हो वाल है उस साइड है, तो यहाँ पर से जो पोर्टल था वो यूज करके इधर आते हैं। उतने में देखते ये बंदा लॉन्च पैड लगा के कहीं चला जाता है, ठीक है, हमको समझ में नहीं ये बंदा अचानक से कहाँ चला गया, इसलिए एक वाल लगा लेते हैं और यहाँ पर से नोटिस करते कि बंदा है किधर। हमको अचानक से बंदा दिख जाता है, वो बंदा ऊपर पता नहीं खड़ा होकर क्या कर रहा है, इस समय हमको नहीं दिखाता, अब थोड़ा सा आगे जाएगा ना तब हमको दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा हम अंधा बंदा है, ठीक है। यहाँ पर से देखो भाई बंदे को काफ़ी खतरनाक वाला हेडशॉट मार देते हैं और पूरा बंदे को फिनिश कर देते हैं और ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 5 किल के साथ। बोया है टोटल हम लोग यहाँ पर से मिलता है 28 का प्लस। अब चलो फिर MA2B में देखते हैं, इस वाला गेम में हमको MA2B नहीं मिले थे इसलिए सिर्फ ग्रोजा में 100 का प्लस मिला है। अब देखो भाई लोग इस वाले गेम में मेरा 7 किल रहते हैं और मेरे अलावा यहाँ पास एक बंदा और लाइव है जो कि भाई राइट साइड के इधर रहता है, ठीक है, आपको हम दिखाएंगे। ये बंदा देखो बाहर निकलता है, इसको पहला शॉट मारने का ट्राई किया लेकिन वो शॉट जो होता है वो मिस हो जाता है। उसके बाद 82 का डैमेज पड़ता है, 49 का डैमेज पड़ता है, उसके बाद 123 का डैमेज पड़ता है और ये जो बंदा होता है अंदर जाके मेडिकेट करने लगता है। तो समझ में आ गया कि ये बंदे भाई MA2B से नहीं मार पाएंगे इस वाले बंदे को, तो हम एकदम रेडी हो चुके थे बाइजन से बंदे को मारने के लिए, ठीक है। उतने में थोड़ा सा यहाँ पर से हम गाड़ी पे चढ़ जाते हैं क्योंकि अगर मान लो को चांस मिलेगा तो MA2B से मारने का तो हम जल्दी जल्दी मार देंगे। उतने में हमको रियलाइज होता है ये जो बंदा है मेरे पे नेड करेगा, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे जाता हूँ, हमको यहाँ पर से नेडिंग का आवाज़ सुने, देखो बंदे पे हम लोग सीधा रश करते हैं। देखो नेडिंग का आवाज़ आया ना और सीधा बंदे पे रश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बंदे को डैमेज देते हैं। ये बंदा यहाँ पर से भागने का ट्राई करता है, M10 से मारने का भी ट्राई करता है लेकिन थोड़ा सा डैमेज दे पाता है, लेकिन हम इस वाले बंदे को मार के पूरा फिनिश कर देते हैं। ऑडियो वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 8 किल के साथ। बोया टोटल हम लोग यहाँ पर से मिलता है 30 का प्लस और गाइस हम लोग यहाँ पर से MA2B मिलता है 100 का प्लस। वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना और गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। आप देखो इस वाले गेम में मेरे अलावा यहाँ पर टोटल 2 बंदे और अलाइव हैं और इस वाले गेम में मेरा 3 किल रहता है। अब मेरे अलावा यहाँ पर से 2 बंदे अलाइव है, तो भाई एक बंदा हमको दिख चुका है मॉन्स्टर ट्रक में और एक बंदा मेरे पे रश करने के लिए आ रहा है। वो बंदा मेरे पे होमर मारता है जिसके चक्कर में मेरा मूवमेंट स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, बट उससे पहले हम जो वाल होता है यहाँ पर से लगा देते हैं। अब ये दोनों बंदे आपस में फाइट करेंगे, ठीक है, हम इस वाले बंदे का मॉन्स्टर ट्रक तोड़ देते हैं। अब ये दोनों बंदे आपस में फाइट करने के लिए नीचे कूद चुके हैं, अब बस हमको वेट करना है सही टाइमिंग को और जैसे ही हमको सही टाइमिंग मिलेगा बंदे को घुस के मार देंगे, ठीक है। अब देखो वहां पर से हमको दिख जाता है ड्रेकी पेट के कारण बंदा इस साइड है और दोनों बंदे यहीं पर रहते हैं। हम वो बंदा दूसरे बंदे को मारते हैं, हम इस वाले बंदे को मार देते हैं, MA2B से 144 का डैमेज पड़ता है और वापस मारते हैं तो ये बंदा यहां पर से MA2B से किल हो जाता है और ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 5 किल के साथ। बोया टोटल हम लोग यहां पर से मिला 28 का प्लस और इस वाले गेम में MA2B मिलता है 44 का प्लस। आप देखो इस वाले गेम में भाई मिसा लगा के नहीं आए थे जिसके चक्कर में काफ़ी डैमेज पड़ रहा था और जो मेरा वेस्ट होता भाई आप लोग देख सकते हो आधा काला हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है और ये लोग बंदे भाई मिल के भाई मेरा मॉन्स्टर ट्रक भी बीच बीच में फोड़ रहे थे। एक मॉन्स्टर ट्रक आप लोग देख सकते हो जो पीछे साइड है वो भाई मेरा ही मॉन्स्टर ट्रक था। अभी चलो बंदे को हम लोग उड़ाने का ट्राई किया लेकिन भाई बंदा भाग गया, ठीक है। उसके बाद जो गाड़ी है भाई हम पूरा लेके घूमने का ट्राई किए कि भाई बंदे को जैसे तैसे करके उड़ाएंगे, बट भाई मेरा ये जो बंदे है ना काफ़ी ज़्यादा प्रो है और हमको मॉन्स्टर ट्रक अच्छे से चलाने नहीं आता है, मतलब बहुत ही लिमिटेड तरीके से चलाते हैं। बट इस समय इस वाले बंदे को हम लोग उड़ा देते हैं और ये बंदा जोन के बाहर चला जाता है और नॉक हो जाता है। बंदे को पूरा क्लियर करने से पहले ही भाई सामने से हमको डैमेज आ चुका था। अब ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा प्रो होता है आप लोग देखना, और बहुत दिनों से हम M10 यूज़ नहीं किया उसके चक्कर में जो M10 है भाई काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। एक समय मेरा M10 काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था लेकिन भाई अभी हम बहुत ही बेकार चला रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे हम M10 चलाना भी सीखेंगे। अभी इस वाले बंदे के पे अभी हम जल्दी जल्दी रश करके मारते हैं कि इस वाले बंदे के पास ऐसे ट्रोगन गन है या फिर बाइजन है। देखो इस वाले बंदे को हम लोग मार के फिनिश कर देते हैं और ये वाले गेम हम लोग कर लेते हैं 6 किल के साथ। बोया इस वाले गेम में हमको MA2B चलाने का मौका नहीं मिला था इसलिए MA2B में प्लस नहीं मिला, बाकी का इसमें रैंक जो होता है वो 30 प्लस होता है। अब इस वाले गेम में तुम्हारा भाई वापस से मॉन्स्टर ट्रक लेके आ चुका है, बट इस समय भाई काफी खतरनाक तरीके से हम लोग M10 चलाएंगे, ठीक है। तो भाई मॉन्स्टर ट्रक को हम बस एक कवर की तरह यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई बंदे को उड़ा रहे हैं। अब सही टाइम आएगा तो बंदे को उड़ाएंगे भी, बट अभी भाई सही टाइम नहीं आ रहा, बट जो मेरा मॉन्स्टर ट्रक होता है यहाँ पर आके फट जाता है। अब दोनों बंदे मेरे पे रश करते हैं, ये वाला बंदा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है, ठीक है। हम जैसे तैसे करके यहाँ पर से एक सर्कल मार लेते हैं ग्लू वाल का और जल्दी से यहाँ पर से सुपर मेडिकेट यूज़ करते हैं। उतने में जो यहाँ पर से तीसरा बंदा होता है वो भाई इस वाला बंदे के ऊपर रश कर देता है और आपस में ये लोग फाइट करके एक बंदा मारा जाता है। अब तुम्हारा भाई जल्दी से बाहर निकल जाता है और मेरा जो HP होता है पूरा फूल हो चुका है और मेरे पास होती है M10 बंदे को काफ़ी खतरनाक वाला हेडशॉट पड़ता है और यहाँ पर से वापस से हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देते हैं।
ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 5 किल के साथ बोया। टोटल हम लोग यहाँ पर सिर्फ मिला 28 का प्लस। बाकी गाइस MA2B में भी हमको प्लस नहीं मिला क्योंकि इस वाले गेम में भी नहीं मिले। तो ये हमारा आज का लास्ट गेम प्ले होने वाला है। देखो ग्लूबाल के अंदर एक बंदा रहता है जो काफी ज्यादा डैमेज देते हैं, ठीक है, बीच बीच में। और ये बंदा जैसे ही बाहर निकलता है तो बंदे को भाई अपना बाइजन से मारने का ट्राई करते हैं और फाइनली यहाँ पर से बंदे को काफी डैमेज देने के बाद नॉक कर देते हैं और यहाँ पर से भाई बंदे को फिनिश भी कर देते हैं। ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 10 किल के साथ बोया। टोटल हम लोग यहाँ पर से मिलता है MA2B में 100 का प्लस और हम लोग को यहाँ पर से रैंक पॉइंट मिलता है 33 का प्लस। तो अगर आप लोगों को वीडियो चली तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।